ये हरिशवा दुर्गा पूजा कमेटी की प्रतिमा जो देख रहे हैं आप, ये सन 1901 से हम लोगों का पूजा जो है लगातार चलते आ रहा है। और ये मुजफ्फरपुर का एकमात्र मतलब पूजा है जो बंगाली रीति रिवाज से होता है। यहाँ पे हम लोग का अष्टमी पूजा, अष्टमी का जो मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी को जो पूजा होना है होता ही है, बलिदान होता है। उसके बाद जो है अष्टमी को हम लोग का यहाँ निशा पूजा, जो हम लोग संधि पूजा बोलते हैं, वो पूजा का आयोजन होता है। ठीक है, वो जैसे आज 4:54 से वो पूजा हम लोग का प्रारंभ होगा। करीब 100 से अधिक महिलाएं और पुरुष जो है उस पूजा में मतलब सुबह से निर्जला उपवास करके वो पूजा मतलब ये व्रत रख। बहुत ही अच्छा यहाँ का पूजा होता है, रंगोली है। दो सालों से आप यहाँ डेली आती हैं? डेली नहीं, मतलब जब दुर्गा पूजा होता तब आती। आप बताइए मैम, आप यहाँ कितने सालों से आ रही? मैं तो यहाँ 2-3 साल से ही आ रही हूँ मम्मी के साथ में। नवरात्र, पूरे नवरात्रि आप आती हैं यहाँ पे हमेशा? नवरात्रि तो नहीं, लेकिन सप्तमी अठमी नवमी इन सब में आते हैं। यहाँ की पूजा में क्या खासियत लगता है आपको? यहाँ की पूजा में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे यहाँ धुनची नाच होता है, उसके बाद सिंदूर खेला होता है, तो ये सब पूरा कोलकाता वाला फीलिंग देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं हूँ सम्मी आपके साथ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बंगाली कमेटी का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ काफ़ी सालों से पूजा होती है और बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के मीडिया प्रभारी से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल फर्स्ट लुक बिहार में। धन्यवाद। ये हरिशवा दुर्गा पूजा कमेटी की प्रतिमा जो देख रहे हैं आप, ये सन 1901 से हम लोगों का पूजा जो है लगातार चलते आ रहा है। और ये मुजफ्फरपुर का एकमात्र मतलब पूजा है जो बंगाली रीति रिवाज से होता है। ठीक है ना। और यहाँ हम लोग षष्ठी के दिन षष्ठी पूजा करने के साथ ही यहाँ का पूजा आरंभ हो जाता है। सप्तमी अष्टमी नवमी को हम लोग लगातार तीनों दिन प्रसाद और भोग का वितरण करते हैं और संध्या में सदस्यों द्वारा धुनुची नृत्य का मतलब प्रस्तुति किया जाता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और दूर दूर से यहाँ इस मतलब दृश्य को जो एकदम सिर्फ मुजफ्फरपुर में, सिर्फ हरिशवा के पंडाल में ही आपको देखने को मिलेगा, दूर दूर से दर्शक जो है मतलब भक्तजन जो है आते हैं देखने के लिए। और तत्पश्चात उसके बाद दशमी के दिन जो है महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला का मतलब आयोजन होता है, उसके बाद हम लोग मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और आज अष्टमी तिथि है नवरात्रि की, तो अष्टमी तिथि को क्या विशेष पूजा होती है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का अष्टमी पूजा, अष्टमी का जो मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी को जो पूजा होना है होता ही है, बलिदान होता है। उसके बाद जो है अष्टमी को हम लोग का यहाँ निशा पूजा, जो हम लोग संधि पूजा बोलते हैं, वो पूजा का आयोजन होता है। ठीक है, वो जैसे आज 4:54 से वो पूजा हम लोग का प्रारंभ होगा। करीब 100 से अधिक महिलाएं और पुरुष जो है उस पूजा में मतलब सुबह से निर्जला उपवास करके वो पूजा मतलब ये एक व्रत रखती है। और यहाँ पे पूजा में लगभग कितने सदस्य शामिल होते हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष लगभग शामिल होते हैं? हरिशवा दुर्गा पूजा में तकरीबन 150 से अधिक सदस्य हैं। इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब 50 महिला सदस्य भी है हम लोग की कमेटी में। और कितने सालों से यहाँ पूजा होती है बंगाली कमेटी में? ये हमारा इस साल का पूजा 122वां मतलब भेंट है हम लोग का। 122 साल से हम लोग का ये लगातार पूजा चलते आ रहा है। सही है सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सचिव अर्पण बोस, हरिशवा दुर्गा पूजा कमेटी, 122वीं साल की पूजा का सचिव। सर आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे हमने सुना है कि महाप्रसाद के रूप में यहाँ पे विभिन्न विभिन्न चीज़ों का वितरण किया जाता है, तो आज अष्टमी तिथि को कौन सा महाप्रसाद का वितरण होता है? अष्टमी की सुबह में पूजा के पश्चात लड्डू, कलाकंद और सेब का प्रसाद दिया गया था। अभी दोपहर में पुलाव और आलू पनीर की सब्जी, खीर और चटनी है, और फिर शाम में हलवा का भोग लगाया जाएगा। और मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में भी दुर्गा पूजा होता है, काफ़ी धूमधाम से होता है, बट बंगाल का फेमस है, तो आप दोनों के कल्चर को मतलब दोनों के कल्चर में से मतलब बंगाली कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसकी खासियत के बारे में, उसकी दुर्गा पूजा के बारे में बताइए। सबसे बड़ी खासियत बंगाली दुर्गा पूजा की ये है कि इसका जो समय है उसका पूरी तरह से हम लोग
पालन करते हैं, जो समय सारणी उसी के अनुसार पूजा होती है हमारी। अगर 7 बजे पूजा शुरू होगी तो 7 बजे होगी, बलिदान अगर 11:30 में है तो 11:30 में ही होगी, भोग 12:30 में लगना तो 12:30 में ही, इससे ना आगे ना पीछे, पूरी रीति रिवाज के साथ हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ की कुछ महिलाओं से। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बोलिए। आप कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पे पूजा करने? ये कोई 20-25 साल से। यहाँ की पूजा, इस मंदिर की पूजा में आपको क्या विशेष लगता है, क्या खासियत लगता है? विशेषता क्या, माँ की पूजा है तो माँ की पूजा में विशेषता क्या होनी चाहिए? जैसे यहाँ बंगाली रीति रिवाज से पूजा होती है तो कुछ तो विशेषता होगी यहाँ की। बंगाली रीति रिवाज से होती है तो यहाँ यही है कि विधि विधान के साथ पूजा होती है, ये अच्छा लगता है। मैम आप बताइए, आपको, आप कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पे पूजा करने? यहाँ तो हम 2 साल से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का पूजा होता है, रंगोली है। 2 सालों से आप यहाँ डेली आती हैं? डेली नहीं, मतलब जब दुर्गा पूजा होता तब आते हैं। और मतलब आपने आज व्रत किया होगा, अष्टमी तिथि है आज, तो अष्टमी तिथि को लेकर आप क्या मानती हैं, कितना शुभ होता है ये? अष्टमी तो बहुत शुभ ही होता है, दुर्गा पूजा का माँ शक्ति है, शुभ तो होगा ही। आप बताइए मैम, आप यहाँ कितने सालों से आ रही? मैं तो यहाँ 2-3 साल से ही आ रही हूँ मम्मी के साथ में। अच्छा, पूरे नवरात्रि आप आती हैं यहाँ पे हमेशा? नवरात्रि तो नहीं, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन सब में आते हैं। यहाँ की पूजा में क्या खासियत लगता है आपको? यहाँ की पूजा में तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे यहाँ धुनची नाच होता है, उसके बाद सिंदूर खेला होता है, तो ये सब पूरा कोलकाता वाला फीलिंग देता है, प्योर बंगाली वाला पूजा। आप कोलकाता से हो? नहीं, कोलकाता से नहीं, यहीं से है, लेकिन फिर भी वहाँ जैसा लगता है पूरा। और महाप्रसाद यहाँ पे जो वितरण होता है उसमें आपको क्या खासियत लगता है, बिहारी कल्चर से कितना अलग लगता है? बिहारी कल्चर से तो उतना अलग नहीं है, मगर ये सबको हेल्प हो जाता है, जो कि नहीं खा पाते उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने से उन लोग का पेट भरता है और ये सब। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ लोगों ने इस मंदिर में ये लोग कब आते हैं, कितनी आस्था है इस मंदिर के प्रति, और कितने अच्छे से ये लोग पूजा पाठ करते हैं, इन सबको इन लोगों ने बताया। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।